पबजी मोबाइल के बैन के बाद सबको ये तो पता था कि इंडियन डेवलपर्स भी कोई ना कोई बैटल रॉयल गेम जरूर निकालेंगे इस सो कॉल्ड मेड इन इंडिया वाले रेस में एज एन अल्टरनेटिव ऑफ पबजी मोबाइल। एंड फिर हमें दिखा एक प्रमोशनल ट्वीट जो कि था अक्षय कुमार की तरफ से एक अपकमिंग गेम को टीज करते हुए एंड इट वॉज 4G। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इस गेम को पबजी मोबाइल के अल्टरनेटिव में लॉन्च किया जाने वाला है बिकॉज पबजी मोबाइल के बैन के सिर्फ 2 दिन बाद ही हमें 4G की न्यूज मिलती है। और अगर आप इस गेम को सच में पबजी मोबाइल के अल्टरनेटिव बनाना चाहते हो तो डेवलपर्स को इसमें बैटल रॉयल मोड देना ही होगा। बट इसमें मल्टीप्लेयर मोड तो कंफर्म है और ट्वीट में साफ साफ लिखा था कि इस गेम से आपको पता चलेगा कि जो हमारे सोल्जर्स है वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं और इस चीज को दिखाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है गेम में एक स्टोरी मोड डालना। अदरवाइज अगर स्टोरी नहीं रहेगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा अबाउट आवर सोल्जर्स सैक्रिफाइसेस। इस गेम का पोस्टर भी बहुत ऑफिशियल लग रहा था बट देन लोगों ने नोटिस किया कि ये पोस्टर तो कॉपीड है। कॉपीड तो छोड़ो यार, इनके शोल्डर्स पर देखो इंडियन फ्लैग्स को लगाया गया है एंड दिस वन इज द वर्स्ट फोटोशॉप आई हैव एवर सीन। ऐसा लगता है किसी 6 साल के बच्चे ने इसे पिक्सआर्ट पर बनाया हो। आई मीन लिटरली तुम एक गेम को इतने बड़े कंपटीशन मार्केट में उतार रहे हो और हरकतें हैं बच्चों वाली और इसी वजह से लोगों का भरोसा भी उठने लगा था इस गेम से। बट फिर एनकोर गेम्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने ये पोस्टर शटरस्टॉक से खरीद लिया है। बाय द वे जो पोस्टर है वो है एक अमेरिकन बैंड कॉलिजन ऑफ इनोसेंस का एक सॉन्ग है टुडे वी राइज, उसमें से ये पोस्टर कॉपीड है। आई मीन लिटरली यार तुम लोग क्या कर रहे हो। बट फिर एनकोर गेम्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने ये पोस्टर शटरस्टॉक से खरीद लिया एंड ये बस टीज करने के लिए था, एक्चुअल गेम पोस्टर जल्द ही ऑफिशियली आएगी। यहां सबसे ज्यादा जो चीज मुझे डिस्टर्बिंग लगी है वो ये है कि इस गेम को लेकर एनकोर गेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज या आर्टिकल नहीं है जिससे पता चले कि इस गेम पर काम चल रहा है। हमें ये न्यूज एक ट्वीट से पता चलती है जो कि ऑफ कोर्स प्रमोशनल थी। मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये गेम सीओडी या पबजी मोबाइल के कंपटीशन में भी उतर पाएगी। अगर आप सारी चीजों को ध्यान से देखोगे तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये गेम पूरी तरह से बेस्ड है प्रमोशन पे और इसका डेवलपमेंट बहुत पहले शुरू हो गया था, तभी तो इनका दावा है कि अक्टूबर के एंड तक ये गेम को लॉन्च कर देंगे एंड इन्होंने अक्षय कुमार को भी हायर कर लिया फॉर देयर प्रमोशन। एंड लेट मी टेल यू दिस, इतने बड़े ट्विटर हैंडल से पोस्ट करवाने के पीछे बहुत दिनों की मेहनत लगती है और अगर आप पबजी मोबाइल या सीओडी के कंपटीशन में गेम उतार रहे हो देन आपको मेहनत तो लगेगी। इवन टेंशन को ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे जबकि उनके पास ऑलरेडी 35 लोगों की टीम थी, उन्हें और लोगों को अलग से हायर करना पड़ा था तब जाके पबजी मोबाइल 1 साल में बन पाई थी और एनकोर गेम्स के दावे अभी उतने पक्के नहीं लग रहे। बट हाँ एक बात तो है, इसी बहाने इंडिया में गेम्स बन रहे ये बात तो शुरू हुई, अदरवाइज आज से पहले किसको फर्क पड़ता था कि इंडिया में कौन से गेम बन रहे कौन से गेम नहीं बन रहे और लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसे मैं एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए। बट अभी तक जो भी देखने को मिला है वो सब कॉपीड है, इनका पोस्टर कॉपीड है एंड इवन इनका नाम भी पबजी का रिप ऑफ 4G लग रहा है। आई मीन तुम एक बार को अक्षय कुमार को हायर कर सकते हो प्रमोशन के लिए बट तुम एक बंदे को हायर नहीं कर सकते जो एक्चुअल गेम पोस्टर बनाए और एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम का नाम डिसाइड कर सके। एंड लेट्स होप कि ये गेम सच में अच्छी हो, अदरवाइज अभी तक जो देखने को मिला है उनके अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूंगा कि इस गेम से ज्यादा उम्मीद बिल्कुल मत रखो, एटलीस्ट तब तक तुम्हें जब तक इनका ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आ जाता, वो भी गेम प्ले ट्रेलर ना कि CGI सिनेमैटिक। अभी तुम लोग देखोगे कि जो इंडियन गेमिंग ऑडियंस है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ के लोग है जो गेम को सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो इंडियन है और उसमें हमारे सोल्जर्स इंक्लूड है और ये चीज इनके फीलिंग्स के साथ खेल जाती है कहीं ना कहीं। एंड दूसरी तरफ के लोग है जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इंडिया में कि लोग लॉजिकली सोच रहे हैं किसी बात पे, लोग बात कर रहे हैं कि ये गेम का पोस्टर कॉपीड है एंड इसका प्रमोशन हो रहा है एंड इसके वेबसाइट पे इस गेम से रिलेटेड कोई भी इन्फो नहीं है एंड ऑल दैट एंड दिस इज व्हाट वी नीड। फाइनली लोगों ने इस लॉजिकली सोचना तो शुरू किया। इस बारे में मेरा एक ही ओपिनियन है और वो ये कि एक बार के लिए तुम सोच कर देखो कि डेवलपर को कितनी मेहनत लगती है गेम बनाने में। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है, उनकी वजह से तो बनी बनाई गेम्स भी नहीं लॉन्च हो पाती एंड यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये गेम पूरी तरह से प्रमोशन पे बेस्ड है। बट लेट्स होप कि ये गेम अच्छी हो, अगर अच्छी हुई देन किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अबाउट हाउ गुड दिस गेम इज। बट लेट मी टेल यू दिस, अभी के लिए 4G को भूल जाओ एंड 15 अक्टूबर को राजी एन एंशियंट एपिक आ रही है, उसे सपोर्ट करो, वो एक मास्टरपीस है एंड वो एंशियंट इंडिया पे बेस्ड है। अगर आपने मेरी राजी वाली वीडियो नहीं देखी देन उसे जरूर से देखना, आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी गेम्स है जिन्हें सच में सपोर्ट चाहिए एंड राजी इज वन ऑफ देम। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है ना, ये बहुत बड़ा वेपन बन सकती है किसी भी डेवलपर के लिए अगर यहाँ के लोग इमोशनली सोचना छोड़कर थोड़े से लॉजिकली पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू कर दे। आई होप आप सब भी मेरी बातों से एग्री करते होंगे एंड आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड रही बात इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो आप सभी जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हो आप सब भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हो एंड हम सब मिलकर एक चीज पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी इसमें बहुत मजा आने वाला है। सो या अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे देन सब्सक्राइब जरूर करना, वी विल रॉक दिस कम्युनिटी एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जिन्हें गेमिंग पसंद है थोड़ी सी भी। एंड अगर गेमिंग से रिलेटेड पोस्ट देखना पसंद है तुम्हें देन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज @pink09 एंड हाँ कमेंट सेक्शन में इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जरूर मेंशन कर देना अगर आप भी एक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का पार्ट हो तो। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।